ये जो आप काफला देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सभी अध्यापक अध्यापिका हैं। और इतने बड़े सैलाब का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं जितेंद्र साहे जी, जो अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ जनता मंत्र पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेकर? आमरा अनशन पे बैठेंगे, नहीं होगा तिहाड़ जेल भर देंगे, लेकिन दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा कि हम जेल भरेंगे, और जो अभी आपने यहाँ जो इतना बड़ा सैलाब लाए हैं, क्या राज्य सरकार से आपकी कोई किसी तरीके की वार्ता हुई? राज्य सरकार से बात करनी करनी है। पीएम साहब जी बनारस में मैं ही बात किया था। पीएम साहब ने वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की मेरी जिम्मेदारी है, इस नाते वो जिम्मेदारी अपना निभाए, शिक्षा मित्र को शिक्षक बनावे। क्योंकि 9 अगस्त को उन्होंने खुद कानून बना दिया है कि 2015 तक जो भी लोग नियुक्त कर दिए गए हैं वो सहायक अध्यापक बने रहेंगे और योग्यता बढ़ाते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उसके दौरान अध्यापक यहाँ दिल्ली के राजधानी जंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास में शिक्षा मित्र भी तो आता है। शिक्षा मित्र का रोजी रोटी क्यों छीनने का प्रयास किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। केंद्र सरकार को बदनाम करने की चाहत है कि केंद्र सरकार को बदनाम कर दिया जाए।